गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल तक हम लोग सेट के बारे में पढ़े थे और उसके कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश किए थे और अब तक समझे भी थे। आज हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमारा सिलेबस है, और हम लोग बहुत जल्दी पूरा डिटेल ना करते हुए थ्योरी को शॉर्ट में समझेंगे। जितना चीज़ कल हम लोग पढ़े थे उस चीज़ों को शॉर्ट में पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और एग्जामिनेशन और पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दबाजी में हम लोग अपने क्वेश्चन को तैयार करेंगे। In a part A view, para on, देखिए on to और into होना चाहिए। ये चीज एक फंक्शन f है, ये सेट A है, ये सेट B। यहाँ पे जो भी एलिमेंट होता है उस एलिमेंट का इमेज बनता है, इधर इमेज बनता है। जैसे मानिए यहाँ एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, इधर ए है, बी है, सी है, डी है। सेट ए में हमारा एक्स, वाई, जेड और ये डब्ल्यू मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि ये एफ ए एक सेट है, इसमें क्या मिलेगा? तो इससे ये भी एक सेट है, फंक्शन ऑफ सेट्स। इसमें लेंगे ए, बी, सी, ये डी। मान लीजिए इसमें अलग से कोई ई रहता तो वो ई में नहीं आता। ये इसका प्री इमेज या कोई नहीं है तो इस सेट में ये नहीं होगा। सेट बी में क्या होगा जी? सेट बी में होगा ए, बी, सी, डी और ई। अब हम लोग आते हैं ऑन टू के बारे में। ऑन टू तब होगा, मैथमेटिकली हम लोग जब देखेंगे ऑन टू होगा कि यदि एफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब ये वाला चीज और ये वाला चीज यदि बराबर हो जाए। तो बराबर कब होगा? जब उसमें ई नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, तब ये क्या हो गया? ऑन टू हो गया। तो ये ऑन टू जब हो गया तो वो ऐसा हो गया। दूसरा इंटू, इंटू कब होगा हमारा? जब एफ ए इज द सबसेट ऑफ, एफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि प्रॉपर सबसेट, सबसेट नहीं प्रॉपर सबसेट। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट इसमें हो जो इससे अधिक हो, तो ये प्रॉपर सबसेट का आप देख रहे हैं, एक अधिक है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, सबसेट नहीं। चलिए वन वन, वन वन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वन वन इसके लिए हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। हम लोग कभी कभी इसका प्रयोग करेंगे, इन जनरली बुक में इन चीजों का प्रयोग नहीं के बराबर किया हुआ है, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में करेंगे कंट्रापोजिटिव के फॉर्म में ऐसा भी चीज। यदि ये दोनों बराबर, पहले ये देखिए फंक्शन वाला चीज यदि बराबर हो, मतलब ये जो बराबर होगा वो एफ एक्स के बराबर होगा, ये जो होगा एफ वाई के बराबर होगा, और ये जो होगा एफ जेड के बराबर होगा, और ये जो होगा डी वाला ये एफ डब्ल्यू के बराबर होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यदि एफ एक्स वाला एफ एक्स टू, यानी कि रेंज वाला एलिमेंट यदि बराबर हो तो पीछे जो डोमेन से एलिमेंट आया है वो भी बराबर रहा होगा। ठीक है, यदि दोनों एलिमेंट बराबर नहीं है तो जो इमेज बन रहा है दोनों के अलग अलग से वो भी बराबर नहीं होगा। चलिए मिनिमम वन वन हो गया, मिनिमम मिनिमम में है कि यदि एफ एक्स वन नहीं है बराबर एफ एक्स टू के तो इंप्लाई करेगा एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू। कंफ्यूजन ना हो इस दोनों में, याद रखेंगे दोनों अलग अलग हैं। चलिए
अब फिगर को बता देते हैं। इसके लिए दो कंडीशन, एक वन वन और दूसरा ऑन टू। वन वन के लिए क्या है, वन वन के लिए यदि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू है तो इंप्लाई करता है एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। एंड कंडीशन सेकेंड ऑन टू के लिए, ऑन टू यहाँ है मतलब ये एफ ए बराबर होना चाहिए बी के बराबर। सिक्स में वन वन इंटू मतलब पहला कंडीशन वन वन, तो वन वन का कंडीशन क्या है कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज दैट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। दूसरा कंडीशन होना चाहिए इंटू का एफ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सातवां मेनी वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू। फर्स्ट कंडीशन होगा इसका एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू जो इम्प्लाई करता है एक्स वन बराबर नहीं है एक्स टू के। और दूसरा ऑन टू, ऑन टू क्या कहता है एफ ए इज इक्वल टू बी। आठवां मेनी वन इंटू, मेनी वन इंटू क्या कहता है कि मेनी वन में एफ एक्स वन इक्वल होगा एफ एक्स टू के, इम्प्लाइज नहीं करेगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू के। और तीसरा एफ ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट सबसेट नहीं प्रॉपर, ये पूरी तरह से इसमें होगा। इसमें यदि कंफ्यूजन हो रहा है मेनी वन में तो एक एग्जांपल ले लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर लीजिए तो यहाँ पर वन और माइनस वन ये एफ डालिए, वन डालिए इस पर वन का स्क्वायर बराबर वन, एफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन। मतलब यहाँ पर ये वन रखे तो भी ये मिला और ये रखे तो भी ये मिला। देखिए तो यहाँ पर एफ वन बराबर हुआ कि नहीं एफ माइनस वन के वन, ये एफ वन का भी एफ वन का भी यही रिजल्ट आया, एफ माइनस वन का भी यही रिजल्ट आया, एफ माइनस वन का भी यही रिजल्ट आया। बट ये वन बराबर नहीं है माइनस वन के, ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों का इमेज जब बनाए तो एक ही बना कि नहीं बना, तो मेनी वन ख्याल रखिएगा मेनी वन। चलिए तो उस हिसाब से फिर हम लोग ये चीज यहाँ पे देख रहे होंगे ये यहाँ पे एक वन दे दीजिए ठीक। कल भी बताए थे इधर सेट ऑफ सन सेट ऑफ मदर, दो बेटा है एक माँ होगी। कंप्लीट कर लीजिए ये आपको, जब तक ऑनर्स आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, बाकी बीपीएससी वगैरह में भी एक आध मार्क्स का कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है, जो भी आपको लिखा है एक आध क्वेश्चन रिलेटेड कभी कदार आएगा, ऐसे जानकारी रखनी चाहिए एलेवन से एक आध क्वेश्चन कभी कदार आएगा। के बाद लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट बीबीआई कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, लेट ए बी एंड सी बी आर टू फंक्शन्स।
सॉरी नॉन इनपुट से आर नॉन एमपीटी एंड एफ एंड जी वी आर टू फंक्शंस सच दैट इस प्रकार से एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी विल अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी देन तब द फंक्शन एच फ्रॉम ए टू सी इज said to be composition of functions f and g and it is denoted by GF, that is GF function from A to C. फिगर से समझ में तुरंत आएगा। ये नोट में लिख लीजिएगा जो दे रहे थे मेरी वन का एग्जाम कर। Let A, B and C be are three non-empty set. A, ये A set, ये B set, ये C set. ये function F और ये function G. एक function यहाँ. ध्यान से देखिए. यहाँ पे कोई element, कोई X है. तो ये यहां से आया तो ये एफ एक्स हो गया इसको मान लीजिए वाई और ये यहां चला गया तो ये हो गया जी वाई मान लीजिए जेड। ध्यान से देखेंगे तो एफ एक्स लग गया और ये मान लीजिए वाई के बराबर है। अब इस वाई में जी लग गया एफ ये जी वाई ये जेड के बराबर हो गया। आप ध्यान से देख रहे होंगे चीजों को। अब प्रश्न उठता है कि ये यहां से यहां और यहां से यहां। अब कहता है कि ये दोनों का कंपोजिशन। यदि कंपोजिशन समझ में नहीं आ रहा है तो एक बात समझिए, दो नंबर का गुना समझे होंगे उसी तरह से दो फंक्शन का गुना समझने के लिए। गुना होता नहीं है वहां पे, कुछ भी हो सकता है। वो ऑपरेशन की जगह प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूनियन यदि वैसा होता है फंक्शन के अंदर एलिमेंट्स आकर के तो उस हिसाब से काम। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहां से यदि डायरेक्ट हमको यहां जाना हो तो एफ जी आपके माइंड में आता होगा। पहले देखिए ए बी सी बी आर थ्री नॉन इनपुटिव सेट एंड एफ एंड जी बी आर टू फंक्शंस। ये फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी। देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी को डिनोट करेंगे जी एफ से। जी एफ से पहले ये लिखेंगे तब ये लिखेंगे, समझ में आया। और ये जो जी एफ आपका है वो ए टू सी है, ठीक है। अब यदि इसका नाम हम एक अलग फंक्शन नाम दे दें एच तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस वही चीज हम लिखेंगे कि लेट ए बी सी बी आर नॉन इनपुट सेट एंड एफ एंड जी बी आर टू फंक्शंस सच दैट एफ फ्रॉम ए टू बी जी फ्रॉम बी टू सी देन द फंक्शन। ये जो ये यूनिक आएगा एच जो है ये यूनिक आएगा वो जी एफ जो देख रहे हैं यूनिक आता है फ्रॉम ए टू सी इट सेट टू बी कहलाएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एफ एंड जी। वो कंपोजिशन फंक्शन कहलाएगा एफ और जी का ये वाला एच
जो कहां से कहां तक, ए से सी तक, एंड इट इज डिनोटेड बाय जी एफ, यही एफ को जी एफ से डिनोट करेंगे, दैट इज जी एफ इज इक्वल टू, इसके जगह ये लिख देंगे, ये होगा, ये बेबी आई है, डेफिनेशन भी आएगा, डिफाइंड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसके साथ दो भी दे सकता है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है लेकिन कम्युटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी था कम्युटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है फंक्शन में। हम लोग आते हैं एक फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम की तरफ, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम देखिएगा, थ्योरम द कंपोजिशन ऑफ functions the composition of function that is phi is associated with that function is associated. कहता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये थ्योरम इसी तरह से आएगा, सेंटेंस हो सकता है कुछ चेंज हो, तो अपना क्वेश्चन बैंक की एक बार देखेंगे फिर उसके हिसाब से बताएंगे। एसोसिएटिव चीज के लिए जो चीज भी देख रहा है वो तीन तीन फंक्शन होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए तीन प्रॉपर्टी, तीन चीजों पर हम लगा के देखते हैं, कम्यूटेटिव दो पर, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ये चीज, देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये हमारा डी है, ये फंक्शन एफ है, ये फंक्शन जी है, ये फंक्शन एच है, यहाँ से यहाँ जो ये फंक्शन आ रहा है, ये फंक्शन हम जी और एफ लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये जी एफ, यहाँ से यहाँ तक आ गए जी एफ। बताइए यदि फंक्शन ये चीज यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है जी एफ और ये क्या है एच, जो बाद में आता है उसको पहले लिखते हैं एच जी एफ, समझ गए होंगे, सेट ए से डी पर जी एच जी एफ कैसे लिखे, ये दोनों को मिला के लिखना हो तो ये पहले तब ये पहले जी पहले एफ बाद में, अब इस दोनों को मिला के लिखना है मतलब यहां से यहां और यहां से यहां आना है, तो यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां जो मिल रहा है वो एच मिल रहा है, एच पहले और यहां से यहां जाने में जी एफ, तो वो बाद में। इसमें प्रूफ क्या करना है आप यहीं पे देख लीजिए, नोट हम यहीं लिख देते हैं, प्रूफ क्या करना है, ये जो जी देख रहे हैं बस यही करना है कि ये जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये वाला इधर आ जाए और ये सॉरी एफ जी एफ हो जाए और जी सॉरी एच जी हो जाए और एफ बाहर निकल, जैसे एसोसिएटिव होता था ना ए ए बी सी जिसको दिखाते थे ए बी सी, उसी तरह से यहाँ फंक्शन में दिखाना है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। आइए यहाँ पर कोई चीज लीजिए एक्स, यहाँ से जब एक्स लिए तो ये यहाँ पर जो मिलेगा वो एफ एक्स मिलेगा और इसको मान लीजिए ये वाई मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं हो, अब ये वाई पर जी 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 लगेगा तो ये एफ जी वाई हो जाएगा जी वाई, अब इसको मान लीजिए जेड के बराबर है, अब ये जब यहाँ एच लगेगा तो ये एच जेड हो जाएगा, मान लीजिए ये डब्ल्यू के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं ना, प्रूफ एकदम आसान है, लैंग्वेज लिखते हैं थोड़ा सा प्रूफ लिखेंगे, लेट ए बी सी डी ये चार नॉन इंटूटिफिन फिगर समझ में आ गया, प्रूफ में कुछ नहीं है, लेट ए बी सी एंड डी बी आर नॉन
एंटिटी से एंड और एफ जी एंड एच आर थ्री फंक्शन, ये तीन फंक्शन है, सच है इस प्रकार से है, सच है एफ जो है वो ए से बी है, जी जो है बी से सी है एंड एच जो है वो सी से डी है, कोई दिक्कत? एंड और एफ एफ एक्स बराबर वाई है, जी वाई बराबर जेड है और एच जेड बराबर डब्ल्यू है, छोटी डब्ल्यू डब्ल्यू, इतनी सी बात हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत? देन तब एक फंक्शन कैपिटल टी दे दीजिए, एक फंक्शन आपके पास जी एफ भी है, ये जी एफ फंक्शन जो है, जी एफ फंक्शन जो है वो ए से सी है, जो जो चीज लिखा हुआ है वो चीजों से देख दीजिए, जी ए से सी है, सच दैट इस प्रकार से कि जी एफ जो जो था वो चीज लिख दी, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे फिगर को बना देंगे नीचे, इसके बाद हम लोग आते हैं प्रूफ करते हैं, ये प्रूफ ही चल रहा है इसके बाद। नाउ अब लेते हैं एच जी एफ, इस पार्ट को लेते हैं एच जी एफ इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एच जी एफ, ये एच ले आए सिंप्लेक्स, एच जी एफ एक्स को हम लोग ऐसे करते हैं, ये इसके साथ ले आए, इसको छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, चलिए एच जी एफ एक्स का वैल्यू आप हमको देख के बताइए, यहाँ पर ये जो एफ एक्स दिख रहा है इसका वैल्यू क्या है, आप ऊपर में लिखे होंगे एफ एक्स का वैल्यू वाई है, एफ एक्स का वैल्यू वाई है, यहाँ भी आप देख लीजिए एफ एक्स का वैल्यू वाई है, तो इस जगह हम लोग क्या लिख दिए वाई, बगल में लिख दीजिए चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, चलिए एच बहुत जी वाई, अब जी वाई का वैल्यू हमको इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद कर सकते हैं, जी वाई का वैल्यू बताइए, जी वाई का वैल्यू जेड है, इसी को हम लोग यहाँ भी लिखे हैं, जी वाई का वैल्यू जेड है, यहाँ लिख दीजिए जेड, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट क्या बचा, एच जेड बचा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना, ऊपर भी डाल देते हैं, हम लोग इन इस चीजों को निकालें, अब किस चीजों को निकालने जा रहे हैं, एच जी एफ बाहर लगा देते हैं, एच बराबर एच जी एफ, एच अंदर ले आते हैं एच जी एफ, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, एच जी एफ एक्स का वैल्यू आपके पास है वाई, और इस चीजों को ऐसा लिख सकते हैं,
चूंकि ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, अब इस चीजों को हम लोग लिख सकते हैं, ये मिटा देते हैं। जी वाई का वैल्यू, इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं, जी वाई का वैल्यू जेड है, जेड यहाँ पे भी जी वाई का वैल्यू देते हैं चूंकि जी वाई इज इक्वल टू जेड, यहाँ पे भी चूंकि जी वाई इज इक्वल टू जेड। अब ये चीज ये वैल्यू रख दिए, अब इस चीजों को आप देखिए तो साफ परिणाम पर लिखते हैं, इक्वेशन नंबर टू लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर टू इंप्लाइज दैट टू फंक्शंस आर इक्वल, जी एक्स जी एफ विथ इतना इज इक्वल टू एच जी एफ इंप्लाइज दैट इक्वलिटी ऑफ मैपिंग, दोनों तरफ फंक्शन x दोनों तरफ गायब हो गया बाय इक्वलिटी ऑफ मैपिंग, बाय इक्वलिटी ऑफ देख लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी खुल गया। बहुत इजी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आता भी है, एक मार्क्स में आएगा, फिर अगले दिन हम लोग नेक्स्ट चैनल के साथ आएंगे, आप कंप्लीट करके रखें, बहुत अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।